फ्रेंड्स, हम इनइक्वालिटी टॉपिक पढ़ रहे हैं और ये बेटा इनइक्वालिटी का 9वां लेक्चर है, ठीक है, 9th लेक्चर है। इसके पहले हमने टोटल 8 लेक्चर ले लिए हैं, ओके। ये सब प्लेलिस्ट में अवेलेबल ही है, इनइक्वालिटी करके प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो अगर आपको रिवाइज करना हो या देखना हो तो वहाँ से आप डायरेक्टली जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज बेटा हम लास्ट दो लेक्चर से मैं मॉड्यूल्स पे बात कर रहा हूँ, ओके। और आज हम बात करेंगे मॉड्यूल्स को किसके अंदर डालेंगे, इनइक्वालिटी के अंदर, ओके। सो टुडेज आवर टॉपिक इज़ इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग मॉड्यूल्स, मतलब ऐसी इनइक्वालिटीज़ जो मॉड्यूल्स को इन्वॉल्व कर रहा हो, ओके। चलो टोटल 3 प्रॉपर्टी है, तो इसमें से 2 प्रॉपर्टी तो आपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिए, वो फटाफट रिवाइज कर दें। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मोड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए। तो अगर तुम्हारा मॉड्यूलस कोई नंबर से बेटा लेस हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पे जो नंबर होगा ना बेटा उसको प्लस माइनस ले लेना है, तो माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, ओके। यहाँ पे जो भी नंबर हो, जैसे 2 हो, तो अगर मोड एक्स लेस देन और इक्वल टू 2 होगा बेटा, तो मॉड्यूलस अगर हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 लेस देन एक्स लेस देन 2। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो नंबर हो उसका प्लस माइनस ले, उसको नंबर लाइन पे शो करें, तो प्लस है माइनस है, तो आप देख सकते हैं टोटल 3 इंटरवल बने, ओके। एक इंटरवल माइनस इनफाइनेट टू माइनस ए, एक इंटरवल माइनस ए टू ए और एक इंटरवल ए टू इनफाइनेट। तो बीच वाला जो इंटरवल होगा ना वो हमारा आंसर आएगा, कब बेटा, जब आपका मॉड्यूलस लेस देन में हो तब। और सेम यहाँ से आपको समझाओ, अगर आपका मॉड्यूलस, सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, तो अगर आपका मॉड्यूलस बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू है, मतलब बड़ा है कोई नंबर से, तो क्या होगा बेटा, तो सेम आपको ऐसे ही याद रखना है कि यहाँ पे जो नंबर है उसको हम प्लस माइनस में लेंगे, तो ए है तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, माइनस ए है, तो अपना आंसर क्या आएगा बेटा, तो एक्स की वैल्यू जो छोटा नंबर है उससे भी छोटी, मतलब एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस है, और जो बड़ा नंबर है उससे भी बड़ी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, ओके। यहाँ हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर मैं नंबर लाइन शो करूँ बेटा, तो माइनस a और a, तो यहाँ पे माइनस इनफाइनेट, यहाँ पे प्लस इनफाइनेट, तो देख सकते हो आप टोटल 3 इंटरवल बने, एक माइनस इनफाइनेट टू माइनस a, एक माइनस a टू a और एक a टू इनफाइनेट। तो यहाँ पे बेटा बीच वाला इंटरवल नहीं आएगा, फर्स्ट और थर्ड मतलब लास्ट वाले जो एक्सट्रीम पॉइंट पे जो इंटरवल है वो आंसर आएगा। सो माइनस इनफाइनाइट टू माइनस है, यूनियन है टू इनफाइनाइट, ओके। तो सिंपल, अगर मॉड्यूलस बेटा लेस देन में है तो बीच वाला इंटरवल आंसर आएगा, और अगर मॉड्यूलस ग्रेटर देन में हो तो आपका लास्ट वाले जो दो इंटरवल है उसका यूनियन आंसर में आएगा। तो ये दोनों तो बेटा आपने प्रीवियस लेक्चर में देख लिए, तो भी आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं, ओके। चलो आज की हम नई प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, और वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखते हैं, अगर बेटा मॉड्यूलस है बेटा कोई इनइक्वालिटी के बिटवीन हो, मतलब बीच में हो, देखो यहाँ पे क्या है, ए लेस देन और इक्वल टू मोड एक्स लेस देन और इक्वल टू बी, ओके, और ए और बी दोनों क्या है बेटा, पॉजिटिव नंबर हो गए, ठीक है। तो अगर मॉड्यूलस बेटा बीच में हो तो आपको मॉड्यूलस कैसे रिमूव करते हैं, तो पहले तो आप देख सकते हैं बेटा कि मोड एक्स है, मोड एक्स वो मैंने पहले भी बताया था मॉड्यूलस के स्टार्टिंग के चैप्टर में, कि मोड एक्स है वो हमेशा क्या शो करता है, डिस्टेंस शो करता है, मतलब मोड एक्स मतलब एक्स का डिस्टेंस जीरो से, ओके। तो मोड एक्स शोज डिस्टेंस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जो मोड एक्स है वो क्या है बेटा, ए भी हो सकता है क्योंकि इक्वल टू है ना, बी भी हो सकता है या ए और बी के बिटवीन हो सकता है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि एक्स का डिस्टेंस है या तो ए और बी के बीच में हो सकता है उसकी वैल्यूज़, या तो इज इक्वल टू ए हो सकता है या तो बी हो सकता है, ठीक है। सो मोड एक्स शोज डिस्टेंस, हैंस एक्स ऑन रियल नंबर लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस इक्वल टू ए और बी और बिटवीन ए एंड बी, मतलब बेटा एक्स है वो नंबर लाइन पे कहाँ पे लाई कर रहा है, कहाँ पे है, तो बेटा या तो वो ए डिस्टेंस पे है, या तो वो बी जितने डिस्टेंस पे है, या तो बेटा ए और बी के बीच में जो जितना डिस्टेंस है, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी के डिस्टेंस है वहाँ पे लाई कर रहा है, ओके। तो हम नंबर लाइन पे अगर समझे बेटा, तो यहाँ पे देखो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है,
ये हमारी नंबर लाइन है। ओके, यहाँ पे देखो बेटा एक पॉइंट है ए, यहाँ पे पॉइंट है बी, यहाँ पे बेटा ज़ीरो है, यहाँ पे मैंने एक माइनस ए लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है माइनस बी। तो एक्स कहाँ पे है बेटा? तो यहाँ पे मैंने बोला है कि मॉड एक्स तो डिस्टेंस शो कर रहा है ना, तो ठीक है। तो देखो यहाँ पे ज़ीरो से ही डिस्टेंस होगा नंबर लाइन पे, तो एक्स बेटा यहाँ पे हो सकता है ए और बी के बीच में हो सकता है, या तो ए हो सकता है, तो ए के ए पे मैं डार्क सर्कल कर रहा हूँ, बी भी हो सकता है तो बी पे भी मैं डार्क सर्कल कर रहा हूँ। चलो, और ये भी बेटा देखो माइनस है माइनस बी, तो आप अगर डिस्टेंस की बात करें माइनस नंबर तो क्या शो कर रहा है, ओरिजिन से मतलब ज़ीरो से आप लेफ्ट साइड जा रहे हो। ओके, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो ये बेटा माइनस और माइनस बी के जो बीच में वैल्यू होगी, मतलब ये भी यहाँ पे भी एक्स लाई कर सकता है ना, क्योंकि ये भी अगर डिस्टेंस के तौर पे बात करें तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, ए और बी के बीच वाला डिस्टेंस होगा। या तो बेटा ये भी हो सकता है, मतलब ये भी ए जितना ही डिस्टेंस हुआ, या ये भी ए जितना ही डिस्टेंस हुआ। तो आप देख सकते हो कि नंबर लाइन पे एक्स कहाँ कहाँ पे लाई कर रहा है, तो क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में और क्लोज इंटरवल माइनस बी और माइनस ए के बीच में, ठीक है। तो इन केस आपको अगर मैं समझाऊँ तो अगर बेटा कभी भी ऐसे दिया हुआ हो कि ए लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू बी, मतलब मॉड्यूलस बिटवीन हो कोई दो नंबर के बीच में, तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा? तो मॉड्यूलस ओपन हो जाएगा, मतलब मॉड्यूलस निकल जाएगा, तो एक्स बिलोंग्स टू, पहले तो बेटा जे जो दो होगा ना, देखो ऐसे लिख सकते हैं आप ऐसे कि पहले तो मोड निकाल दो, तो ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, और अभी क्या करना है, तो अभी ये जो एक्सट्रीम पॉइंट के जो नंबर है ना उसको हम माइनस साइन दे देंगे। तो आपको पता है कि अगर मैं माइनस साइन दे दूंगा तो अभी जो माइनस बी होगा वो तो छोटा हो जाएगा माइनस ए से, तो अभी क्या हो जाएगा, माइनस बी लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस ए। तो ये आंसर आएगा कि x बिलोंग्स टू माइनस बी माइनस ए क्लोज इंटरवल यूनियन, ऐसे ही छोड़ देना है ए टू बी क्लोज इंटरवल। ओके, यहाँ पे अगर इक्वल टू दिया हुआ है तो, अगर इक्वल टू नहीं दिया हुआ है तो ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल से समझे कि अगर टू लेस देन और इक्वल टू मोड x लेस देन और इक्वल टू फोर है तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, तो x बिलोंग्स टू या तो बेटा क्लोज इंटरवल टू टू फोर आएगा यूनियन माइनस फोर टू माइनस टू क्लोज इंटरवल आएगा, ठीक है। एक तो डायरेक्ट लिख देना है और एक यूनियन करके क्या लिख देना है, ये दोनों को माइनस साइन दे देनी है। तो अभी जब माइनस साइन देंगे तो अभी माइनस फोर छोटा हो जाएगा माइनस टू से, तो इंटरवल में हम हमेशा छोटा नंबर लिखते हैं पहले फिर बड़ा नंबर लिखते हैं, तो माइनस फोर से माइनस टू यूनियन में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आई है। ओके, चलो एक और एग्जाम्पल आपको समझा दूँ फटाफट। तो सपोज ऐसे हो बेटा कि थ्री लेस देन और इक्वल टू मोड वाई लेस देन और इक्वल टू फाइव, ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वाई बिलोंग्स टू क्या होगा, तो एक तो डायरेक्टली थ्री टू फाइव, ओके, और यूनियन करके अभी मैं रिवर्स साइन दूँ बेटा तो माइनस फाइव माइनस थ्री हो जाएगा, तो पहले माइनस फाइव लिखूँ देन माइनस थ्री लिखूँ। सो वाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल थ्री टू फाइव यूनियन क्लोज इंटरवल माइनस फाइव टू माइनस थ्री। तो आई होप आपको ये तीनों प्रॉपर्टी समझ में आई है, नोट्स भी साथ साथ करते रहे, ठीक है। तो चलो आज हम इसके बेस पे थोड़े प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। ओके, चलो, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व एक्स स्क्वेयर माइनस फोर मोड एक्स प्लस थ्री लेस देन ज़ीरो। तो बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि आप एक्स स्क्वेयर लिखो या मोड एक्स स्क्वेयर लिखो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वेयर की जगह मोड एक्स स्क्वेयर लिख रहा हूँ। तो मोड एक्स स्क्वेयर माइनस फोर मोड एक्स प्लस थ्री इज लेस देन ज़ीरो, ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि ये मोड एक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो अभी आप देख सकते हो मिडिल टर्म को स्प्लिट करूँ थ्री वन ज़ा थ्री से, तो ये हो गया बेटा मोड एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस थ्री लेस देन ज़ीरो। ओके, मेकिंग पेयर दो दो की जोड़ी बनाए, तो यहाँ से मोड एक्स कॉमन निकल रहा है तो ब्रैकेट में होगा मोड एक्स माइनस थ्री, यहाँ से माइनस वन कॉमन निकल रहा है तो ब्रैकेट में होगा मोड एक्स माइनस थ्री लेस देन ज़ीरो। तो बेटा एक ब्रैकेट हो गया अपना मोड एक्स माइनस थ्री वाला और एक ब्रैकेट हो गया मोड एक्स माइनस वन वाला लेस देन ज़ीरो। ओके, तो हमें बेटा एक प्रॉपर्टी पता है कि
एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन, अगर दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन लेस देन ज़ीरो में हो तो आंसर क्या आएगा बेटा, तो जो मोड एक्स होगा वो वन और थ्री के बिटवीन आ जाएगा। तो वन लेस देन मोड एक्स लेस देन थ्री, दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन क्या हो बेटा, ज़ीरो से कम हो, नेगेटिव हो। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हुए होंगे तो ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी, ठीक है। तो इसकी मतलब मोड एक्स माइनस थ्री इंटू मोड एक्स माइनस वन लेस देन ज़ीरो है, तो उसकी ओर से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये स्टेप से मैं ये स्टेप लिख सकता हूँ कि वन लेस देन मोड एक्स लेस देन थ्री। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि मुझे तो एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब ये हमारा आया वन मोड लेस देन मोड एक्स लेस देन थ्री। तो अगर बेटा मोड बिटवीन हो तो मोड को रिमूव करना हो तो आंसर क्या आएगा, तो एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं है, इसलिए वन टू थ्री यूनियन, अगर ऑपोजिट साइन दे दूँ तो माइनस थ्री और माइनस वन, तो माइनस थ्री छोटा हो जाएगा, तो माइनस थ्री टू माइनस वन। सो और आंसर इज एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल वन टू थ्री यूनियन ओपन इंटरवल माइनस थ्री टू माइनस वन। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज सॉल्व ज़ीरो लेस देन मोड एक्स लेस देन टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो अगर मुझे मॉड्यूलस रिमूव करना है तो मॉड्यूलस में रिमूव कर रहा हूँ, चलो तो क्या हो जाएगा, पहले चलो लिख लेते हैं ज़ीरो लेस देन मोड एक्स लेस देन टू। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, या तो डायरेक्ट जो दिया हुआ है वो ज़ीरो से टू ओपन इंटरवल यूनियन, यहाँ पे ऑपोजिट साइन निकालो तो माइनस टू माइनस ज़ीरो, तो माइनस ज़ीरो तो ज़ीरो ही बोलते हैं ना, तो माइनस टू छोटा नंबर हो गया, तो माइनस टू से ज़ीरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा माइनस टू से ज़ीरो और यूनियन ज़ीरो से टू, तो अगर ये दोनों को मैं मिला दूँ तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस टू से टू ओपन इंटरवल। ओके, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज सॉल्व मोड 3x माइनस टू लेस देन 4। ओके, तो मैंने आपको बताया था बेटा कि जब मॉड्यूलस हो वो कोई नंबर से कम हो तो क्या होगा बेटा, तो वो नंबर के माइनस और प्लस के बिटवीन आ जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा माइनस 4 लेस देन 3x माइनस टू लेस देन प्लस 4। ओके, और अभी हमें x को सब्जेक्ट बनाना है, तो बीच में से अभी मैं x को एक्स अकेला रहे इस तरीके से हम ऑपरेशन करेंगे, तो माइनस टू है तो माइनस टू निकालने के लिए प्लस टू करेंगे, तो माइनस फोर प्लस टू माइनस टू, यहाँ से प्लस टू करेंगे तो सिर्फ थ्री एक्स बचेगा और फोर प्लस टू बिकम सिक्स। और अभी क्या करेंगे बेटा, एक्स को सब्जेक्ट बनाना है तो थ्री से डिवाइड करेंगे, तो माइनस टू बाई थ्री लेस देन, यहाँ से अगर थ्री से डिवाइड करूँगा तो एक्स बचेगा और सिक्स बाई थ्री हो गया टू। सो अवर आंसर इज एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस टू बाई थ्री टू। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज सॉल्व वन लेस देन और इक्वल टू मोड एक्स माइनस टू लेस देन और इक्वल टू थ्री। तो आप देख सकते हो फिर से अपना जो मॉड्यूलस है वो बिटवीन है, अगर ठीक है तो आपको मॉड्यूलस निकालना है तो क्या होगा, तो पहले तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मैं इनइक्वालिटी के फॉर्म में ही लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटरवल के फॉर्म में नहीं लिख रहा। तो एक तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि वन लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस टू लेस देन और इक्वल टू थ्री, फिर और करके मतलब यूनियन करके क्या कर सकते हैं, तो दोनों की साइन हम रिवर्स कर देंगे, मतलब माइनस थ्री माइनस वन, तो अभी माइनस थ्री छोटा हो गया तो माइनस थ्री पहले, लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस टू लेस देन और इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो देखो एक मॉड्यूलस अगर जब बिटवीन हो तो दो कंडीशन होगी, एक तो ऐसे ही मॉड्यूलस निकाल देना है, और दूसरी कंडीशन में बेटा ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसको नेगेटिव साइन देके रिवर्स कर देना है, ठीक है। बस अभी यहाँ से क्या करेंगे, एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो माइनस टू है तो सब तरफ प्लस टू करेगा, तो वन प्लस टू बिकम थ्री, यहाँ पर सिर्फ बचेगा एक्स, यहाँ पर होगा थ्री प्लस टू बिकम फाइव, और यहाँ पे भी माइनस टू है तो प्लस टू करेंगे, तो माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन लेस देन और इक्वल टू माइनस टू प्लस टू कट हो गया तो एक्स, और माइनस वन प्लस टू हो गया वन। सो यहाँ से आंसर क्या आएगा बेटा, तो एक्स बिलोंग्स टू ये हो गया क्लोज इंटरवल थ्री टू फाइव, और ये हो गया बेटा एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, सो एक्स बिलोंग्स टू ये दोनों को हम यूनियन कर देंगे, तो माइनस वन टू वन क्लोज इंटरवल यूनियन
क्लोज इंटरवल 3 to 5। ओके, आई होप आपको भी बिटवीन वाले, अगर मॉड्यूलस बिटवीन में हो तो अभी कैसे उसको सॉल्व करना है समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आज का बेटा हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं। तो लास्ट एग्जांपल इज सॉल्व 0 <x-3>= 5। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मॉड्यूलस है वो कहाँ पे है, बिटवीन है, बीच में है। तो पहले मॉड्यूलस को रिमूव कैसे करेंगे, तो पहले तो मॉड्यूलस ऐसे ही निकाल देंगे, तो 0 <x-3> = 5। ओके, और क्या करेंगे, तो और अभी मैं क्या करूँगा, अभी दोनों को रिवर्स कर दूंगा, मतलब साइन रिवर्स कर दूंगा, तो 5 की रिवर्स होगी -5, 0 की रिवर्स होगी वो तो +0 ही लिखूंगा। और यहाँ पे देखो 5 का रिवर्स -5 किया, तो यहाँ पे <= 2, तो यहाँ पे <= आएगा x-3> 0। ओके, चलो अभी x को अकेला करेंगे, मतलब x को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो -3 है तो सब तरफ +3 करेंगे, तो 0 + 3 = 3। यहाँ पे जैसे +3 करूँगा तो सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पे +3 करूँगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे भी सब तरफ +3 करेंगे तो -5 + 3 = -2 <= यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे 0 + 3 हो गया बेटा 3 हो गया। ओके, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, तो x बिलोंग्स टू 3 to 8, और 3 है वो सिर्फ लेस देन में है, तो ओपन इंटरवल 8 लेना है तो क्लोज इंटरवल, और x बिलोंग्स टू ये हो गया -2 to 3, यहाँ पे -2 लेना है तो क्लोज इंटरवल, 3 नहीं लेना तो ओपन इंटरवल। ठीक है, तो अभी ये दोनों को हम यूनियन कर दे, या ये दोनों को नंबर लाइन से भी आप देख सकते हो। देखो अगर नंबर लाइन में ड्रॉ करूँ तो ये क्या शो कर रहा है बेटा, -2 से 3। ओके, तो -2 लेना है, 3 नहीं लेना, और ये क्या शो कर रहा है, 3 to 8, 3 नहीं लेना और 8 लेना है। तो अभी ये दोनों का यूनियन, मतलब ये दोनों का प्लस करूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू बेटा -2 to 8 डायरेक्ट। ठीक है, और -2 to 8 मतलब -2 लेना है तो वहाँ पे भी क्लोज इंटरवल, 8 भी लेना है तो वहाँ पे भी क्लोज इंटरवल, लेकिन -2 और 8 के बीच में से 3 नहीं लेना, तो माइनस करके यहाँ पे मैं 3 सबट्रैक कर दूँगा। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 to 8, और इसमें से माइनस करके क्या सबट्रैक कर देना है, 3 सबट्रैक कर देना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। थैंक यू।